तो चलिए आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं ऐसे ही बेहतरीन कलाकार पप्पू चंद जी से। तो सर आप हमें अपनी कला के बारे में बताइए। ये चित्रकला राजा महाराजाओं से चली आई है। इस चित्रकला परंपरा को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? ये 22 साल से काम कर रहे हैं, तो 22 साल से। आपने सीखी पेंटिंग कहाँ से ये? करते। ये मेरे बड़े भैया पेंटिंग करते थे, उनके पास मैं देख देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने भी ये पेंटिंग सीखी। मैं वाइल्ड लाइफ में करता हूँ, वाइल्ड वाइल्ड लाइफ पेंटिंग लाइफ पक्षी करा। जानवर वाली जो रियलिस्टिक होती है ना उसे, क्योंकि मुझे पक्षी जानवर भी बड़े प्यारे लगते हैं, तो उनको देख देख के मुझे मतलब आप नेचर से इंस्पायर हो। नेचर। तो आप हमें ये बताइए कि ये जो आपने पेंटिंग्स हैं ये कहाँ से मतलब कि कहाँ से आए हैं? ये आई तो राजा महाराजाओं से ये, पर ये हर देश में अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से बनती है, जैसे जो कांगड़ा जिस शैली, हाँ जयपुर जयपुर शैली। शैली, कांगड़ा शैली, बूंदी शैली, जहाँ जो जिस जगह की है क्षेत्र, उसी क्षेत्र जैसी पेंटिंग बनती ओके, तो जब आपने फर्स्ट टाइम पेंटिंग बनाई, जो आपकी पहली जो चित्र था वो किस चीज का था? है। वो पक्षी का था, कौन से? पैरेट पैरेट का, तोते का। का बनाया आपने। फिर उसके बाद आपने टाइगर्स बनाए हैं, रणथंभौर जो जी है वहाँ उससे इंस्पायर होके हाँ बनाए जी, हैं। क्योंकि जानवर में अभी टाइगर बहुत कम रह गए, तो ये भी दिखाना चाहता हूँ कि जानवरों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जानवर अब है कहाँ, देखने को नहीं मिलेंगे अब कुछ समय बाद में, तो लुप्त हो लुप्त जाएंगे। हो जाएंगे। बहुत अच्छा थीम लिया है कि आप रणथंभौर, राजस्थान का सबसे माना जाना मतलब टाइगर सेंचुरी माना जाता है, तो वहां से अगर इंस्पायर होकर अगर आप पेंटिंग्स आने वाले टाइम में, जैसे कि हमें पता है कि जैसे जैसे वक्त निकल रहा है वैसे वैसे हमारे नेचर मतलब धरती से लुप्त होता जा रहा है। आने वाले वक्त के अंदर शायद टाइगर भी लुप्त होकर सिर्फ सर की पेंटिंग्स में रह जाएंगे। तो रणथंभौर का एक जो मैसेज है कि सेव टाइगर, या फिर जो टाइगर जो प्लेइंग टाइगर्स इस पेंटिंग्स में दिखाए गए हैं, तो एक तरीके से ये बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन पहल भी कह सकते हो आप, या फिर बहुत बेहतरीन जो है एक मैसेज भी है कि सेव टाइगर्स, या फिर जो हमारा नेचर है उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि राजस्थान के अंदर रणथंभौर जो सेंचुरी है उसे उसका एक अपना महत्व जी हाँ, मुझे है ना सर? तो आप हमें बताइए कि आपको टाइगर से इतना लगाव है कि आपकी लगभग पेंटिंग जो मैंने अब तक देखी है वो सब टाइगर्स पे है, या फिर प्लेइंग टाइगर्स है, बैठे हुए हैं, दहाड़ते हुए हैं, तो सब आपको क्या सपनों में भी टाइगर ही आते हैं क्या? टाइगर बहुत पसंद है और अच्छा भी लगता है टाइगर, और मुझे तो रात को भी जब नींद नहीं आती तो मुझे टाइगर ही दिखते हैं, हाँ, मतलब आपकी लगभग जो फेवरेट मैंने टाइगर है मेरा। ओके, तो अब मोस्ट ऑफ जो फोकस लेके चल रहे हो वो टाइगर ही लेके चलते हो। हाँ, जंगल टाइगर ही लेके चलता हूँ। और ये रणथंभौर ही होता है आपकी पेंटिंग्स में? हाँ, रणथंभौर फॉरेस्ट जंगल तो कोई सा भी हो सकता है, पर मैंने मेन तो थीम रणथंभौर पे बनाई है। ओके, तो सर आपकी इनकम का सोर्स क्या है? इनकम का तो यही है कि पेंटिंग ही है, और तो कोई इनकम सोर्स है नहीं। तो आप पर मंथ अपनी पेंटिंग से क्या कितना कमा लेते हो? एंडिंग से तो अपना परिवार चलता है, बस इतना ही है, और तो ज्यादा नहीं मिलता है इसमें। तो अगर कभी ऐसा हो कि आपकी पेंटिंग 1 महीने ना बिके या फिर कम दामों में बिके, तो उस समय आप क्या करते हो? बेचनी पड़ती है मजबूरी में, कम दाम में बेचना पड़ता है, क्योंकि यहाँ तो आर्टिस्ट की सिर्फ मेहनत ही मिलती है, बाकी पैसा तो मिलता ही नहीं है। मतलब शब्दों में माना जाए तो सिर्फ शब्दों में ही है कि हम आपकी वाह वाह हो जाती है, बाकी आपकी उसको वाह वाह का जो है वो दाम नहीं मिलता जो दाम नहीं आप मिलता चाहते है, हो, है हाँ, ना? जो हम आप चाहते हैं, मेहनत का पूरा पैसा भी नहीं मिलता तो है। आपको एक पेंटिंग से बनाने में कितना समय लगता है? एक पेंटिंग में 2 दिन भी लग जाते हैं, और किसी में 1.5 महीना भी लगता है। तो आपका तो ये होता होगा ना कि आप सुबह उठते ही लग जाते हो अपनी मतलब आर्ट को पेपर्स पे उतारने के लिए, आइडियाज को हाँ लिख। भाई, उठने के बाद में यही काम रहता है, और क्या करें, तो सुबह से कोई शाम सुबह से शाम तक यही तक। काम करते हैं, पेंटिंग ही करते हैं। तो सर आप हमें ये बताइए कि जैसे कि आने वाले वक्त में इन जो ये आर्ट है मिनिएचर, और ये आर्ट एंड कल्चर, इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए।
जो आज के टाइम में यूथ में तो नहीं है। हाँ, अब इस लाइन पेंटिंग लाइन में कोई एक कोई भी स्टूडेंट सीखने नहीं आता है, ऐसा लगता है जैसे ये धीरे धीरे कम होती जा रही है, खत्म कोई होता जा रहा है। तो आने वाले समय में इसका क्या क्या माने कि ये जो आपकी आर्ट है, ये जो मिनिएचर जैसे बोलते हैं, ये आने वाले वक्त में खत्म हो जाएगा या नहीं, ऐसे देखने को लगता बहुत है कम कि देखने को मिलेगा? बिल्कुल कम मिलेगा, क्योंकि एक नया कोई पेंटिंग सीखने आर्ट में तो आता ही आना नहीं नहीं चाहता, चाहता है, वक्त बहुत क्योंकि लगता टाइम ज्यादा है, लगता है और दाम पेमेंट मिलता नहीं मिलते है। नहीं, हाँ, इसलिए कोई आने की कोशिश ही नहीं आना करता नहीं है। चाहता है। तो हम मान सकते हैं कि आने वाले वक्त में आर्ट एंड नेचर दिन ब दिन कम ही होगी। तो यूथ को मैसेज है कि सीखना चाहिए, है ना? और वैसे अब आर्टिस्ट कम ही रहेंगे, जो भी रहेंगे वो अच्छे आर्टिस्ट रहेंगे। पुराने जो आर्टिस्ट है वही हाँ, रहेंगे, नया कोई आएगा नया कोई नहीं। आने की कोशिश ही नहीं करता है। तो आएगा कैसे जब पेशेंस हाँ, कहाँ है आज के टाइम में? तो अब यही होता है कि नया से नया तो कोई आने की कोशिश नहीं करता है, और जो पुराने वो हताश हो रहे हैं क्योंकि उनको उनके मेहनत का पेमेंटिंग दाम मेहनत का नहीं, दाम नहीं मिल। कदरदान नहीं है। तारीफ हाँ, कला है, कला का कदरदान कोई है ही नहीं यहाँ, तो सब करते हैं तारीफ कि सब वाह करते वाह हैं, वाह वाह, लेकिन उस वाह वाह का दाम कोई नहीं देना दाम चाहता। मिलता ही नहीं तो यहाँ। अब तक आपने कितनी एग्जीबिशंस लगाई मैंने हैं? 5 लगाई। सिर्फ 5 ही लगाई है? आपने हाँ, 22 साल के एक्सपीरियंस में सिर्फ आपने 5 5 ही एग्जीबिशन? लगाई है, उसमें भी अपने खुद के खर्चे पे गया हूँ और अपना खुद का खर्चा किया है, और वाह वाह मिलती है, बाकी पैसा नहीं मिलता है, एग्जीबिशन में जाने के लिए तो एंट्री फीस भी लगती है। एंट्री फीस भी हाँ, लगती है। और फिर वहाँ जाओ, जाने का खर्चा, आने का खर्चा, खाने पीने का, अगर वहाँ 2 दिन स्टे करना पड़े, 3 दिन स्टे करना पड़े, तो ये सब तो आप खुद देते होंगे। हाँ, खुद को करना तो पड़ता आप आपका आपने जैसे बताया कि आपकी इनकम का सोर्स तो सिर्फ यही है, तो है। आप उसी खर्चे में से ये निकालते हो? निकालते तो वहां तो सेलिंग ही नहीं होती, तो खर्चा तो खुद को करना पड़ता है। तो एक तरीके से बात की जाए तो एग्जीबिशंस इसलिए होती है कि एक आर्टिस्ट जाए वहाँ, उसकी वाह वाह के साथ उन्हें पैसा भी मिले, बस हम तो इसलिए जाते हैं कि कोई हमारी कला को देखे, थोड़ी खरीदे, तारीफ, हाँ और खरीदे, तारीफ आपको करे, जो आपने हौसला मेहनत बढ़ाए, की है उन उसका सही दाम मिले। लोगों को पता लगे कि भाई ये क्या पेंटिंग बनाते हैं, किसी को देखने को मिलेगी नई चीज, इसलिए एग्जीबिशन करते हैं। अच्छा लगा सर आज हमें आपसे बात करके। चलिए अब हम आपकी पेंटिंग्स देखते हैं।